आप सबके पास मॉड्यूल अवेलेबल है ना अगर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ना हो तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो अपने icai.org वेबसाइट से राइट स्टूडेंट्स पोर्टल में बीओ एस बोर्ड ऑफ नॉलेज जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज वहां पे नॉलेज पोर्टल में आपको मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो राइट right? तो वहां से आप मॉड्यूल डाउनलोड कर लो देन विल सी टू इट फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली राइट चलिए सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट मतलब क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट मतलब एक अरेंजमेंट दिया जाएगा जैसे कि पांच बच्चों को हम एक रो में बिठा रहे ठीक है ए बी सी डी ई और आगे कंडीशन दे रहेंगे कि बी वाला जो बच्चा है वो सी के बगल में नहीं बैठेगा डी वाला है जो कंपलसरी ई e के बाजू में बैठेगा ए सबसे मिडल में होना चाहिए या ए लास्ट में होना चाहिए इस तरह से कुछ कंडीशन दिए जाएंगे एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी हैव टू अरेंज दिस स्टूडेंट्स हो 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 या ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो. तो अरेंज करने के बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वी हैव टू सॉल्व द राइट तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है अगेन आई रिपीट हियर मियरली सिटिंग अरेन्जमेंट विथ गिवन तो कंडीशन के बेसिस पे आपको प्रॉपरली अरेंज करना है एक बार आपका अरेंज हो जाए उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे दैट यू आर टू आंसर क्वेश्चन किस तरह से होंगे एक बार अरेंजमेंट होने के बाद पूछा जाएगा कि सबसे मिडल में कौन है या एक्सट्रीम एंड्स में कौन है या डी के बाजू में कौन होना चाहिए एंड लाइक दैट ओके चलिए तो सिटिंग अरेंजमेंट कौन से कांसेप्ट टाइप के हो सकते हैं इट कैन बी अरेंजमेंट, इट कैन बी सर्क्यूलर अरेंजमेंट एंड थर्ड इट वॉज पोलिगोनल अरेंजमेंट तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो बेसिकली वी हैव टू डिस्कस ओनली लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट मतलब क्या दोस्तों द अरेंजमेंट में इज मेड इन रो जैसे कि मोस्टली ऐसे लाइन हम ड्रॉ करके इन बच्चों को बिठाएंगे। दैट इज ए बी सी डी एंड ई इस रो में बच्चों को बिटाया कभी लग्नाथ गेना जेवाला पंगत मधे वसला है ते पंगत मध्ये तुम्ही बसताय ते रो मध्येच बसताय ना तुम्ही दॅट इज नथिंग बट सिटिंग अरेंजमेंट राईट तुम्ही साईडला मित्रांना किंवा रिलेटिव्ह घेऊन बसताय इज इन टू इट राईट सो दॅट इज अ सिटिंग अरेंजमेंट ओके सो इट कॅन इन रो अँड इट कॅन बी सर्क्युलर अरेंजमेंट सर्क्युलर अरेंजमेंट मतलब सेम एक्झाम्पल जेव्हा तुम्ही लग्नात गेला तर भरपूर आश्चर्य डेटला लग्नात असे सर्क्युलर अरेंजमेंट केलेले असतात राईट मोस्टली इन केस ऑफ बफे आणि मग आपण त्या सर्क्युलर टेबल वरती साईडला चेअर्स टाकून जेवायला बसतोय राईट right? सो so, दिस सर्क्युलर अरेंजमेंट जस्ट यू कॅन विज्युअलाइज रो अरेंजमेंट मतलब जेवणात पंगतीला जे जेवायला बसतोय ते अँड सर्क्युलर अरेंजमेंट मतलब बुफे मे जे आपण राउंड टेबल वरती मधी जेवण तिरून जेवायला बसतोय दॅट इज अ सर्क्युलर अरेंजमेंट राईट नाव विल सी वॉट आर द टाइप्स Of these arrangements, also. First, we'll see linear arrangement. In linear arrangement, case one, direction is not given. If direction is not given, then if direction is not been given then always we will assume that these persons are facing front side right means a person is facing towards this north we can say this is north okay so always these persons are facing north and we are considering them from back right means here for a what will be the right side for a For A, this arrow will be the right side, isn't it? Right, so can I say over here that for A, B, C, D, E, and F are towards right, right? And can I say that A is towards? एक्सट्रीम लेफ्ट दिस साइड इट एज लेफ्ट साइड एंड दिस साइड इज राइट साइड दोस्तों आपको करना क्या है मेरे साथ ये ड्रॉ भी करना है ठीक है आप क्या करोगे ये मत ड्रॉ करो ये पॉलीगोनल सिटिंग अरेन्जमेंट लेफ्ट साइड में इसका एक चार्ट बनाओ

तो इमीडिएट राइट बी इज द इमीडिएट राइट 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 चलिए नेक्स्ट वी कैन से एफ इज ऑन एक्सट्रीम राइट एंड एफ के लिए ए बी सी डी ए बी सी डी ई इज ऑन लेफ्ट साइड राइट इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट आर यू गेटिंग इज यहां पर एफ के लिए ये जो अपना एफ है इसके लिए लेफ्ट में ए बी सी डी ई आर है लेकिन ई e उसके लिए इमीडिएट लेफ्ट मेंंडरस्टूड अगर मैं सी को पिक करू यहां पे मैं सी को पिक करूं तो सी के लिए लेफ्ट में कौन कौन है ए एंड बी है ध्यान से देखो सी के लिए लेफ्ट में कौन कौन है ए एंड बी एंड राइट में कौन कौन है डी ई एफ लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सी के लिए इमीडिएट लेफ्ट कौन है इमीडिएट लेफ्ट है बी राइट एंड सी का इमीडिएट राइट right कौन सा है डी आर यू गेटिंग अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी ए के लिए क्या है इमीडिएट राइट right है लेकिन सी के लिए क्या हुआ इमीडिएट लेफ्ट आर यू गेटिंग सी अगर इस तरह से बैठा होगा तो इसका ये लेफ्ट होगा एंड ये राइट right होगा तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है बी इमीडिएट राइट में कौन है डी अगर मैं डी के बारे में पूछू तो डी के लिए इमीडिएट लेफ्ट कौन है सी एंड इमीडिएट राइट कौन है ई आर यू गेटिंग दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो केस वन वेन डायरेक्शन इज नॉट बीन गिवन आर यू गेटिंग नाउ केस टू पर्सनस डायरेक्शन इज फेसिंग टुअर्ड्स यू मतलब क्या दोस्तों अभी ये जो बच्चे एबीसी डी ई एफ वो सामने नहीं देख रहे आपकी तरफ देख रहे अभी यहां पे आप हो तो ये आपकी तरफ देख रहे अभी आर यू गेटिंग सिंपल वर्ड्स लग्ना पंगत मध्य तुम्हें बसता है समोर समोरची रो तुम्हारा समोर ची रो जी दि है ती तुम फेस ए इज सींग यू राइट नाउ फॉर ए विच विल बी द राइट साइड आर यू गेटिंग तो ए राइट साइड राइट साइड होगी ए Right? so extreme right will be this and extreme left will be this okay so now b is towards which side guys left right so we can summarize again this point here a is on extreme left and f is extreme right ओके सॉरी सॉरी गलत लिखा मैंने ए इज ऑन एक्सट्रीम राइट एंड एफ इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ओके जी हाजी पे था मैं सो एफ इज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट राइट नाउ फॉर ए बी सी डी ई एंड एफ are on the left side right however for a we can say b is towards immediate left and for f a b c d and e is on right side and for f E is on immediate right. ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए दिया हुआ है सो दू राइट करते आपको यूज़फुल रहेगा, okay? तो जैसे कि अगर मैं C को सिलेक्ट करूँ, तो C मेरी तरफ अभी देख रहा है तो C की ये जो बाजू रहेगी वो राइट होगी एंड दिस विल बी लेफ्ट साइड तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि C के राइट में कौन कौन है तो ए एन बी है लेफ्ट में कौन कौन है डीई एन e अगर पूछा जाए सी के इमीडिएट राइट right में कौन है देन आंसर बी एंड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है तो आंसर right? तो इस राइट तरह से इंफॉर्मेशन आपको रहेगा बिफोर स्टार्टिंग जस्ट आई वॉन्टेड लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट में डिफरेंस होता है ओके दिस वॉज ऑल अबाउट द लीनियर अरेंजमेंट राइट नाउ सर्क्यूलर अरेंजमेंट सर्क्यूलर अरेंजमेंट मतलब अपना बुफे वाला सिस्टम राइट इसमें केस वन केस वन क्या हो सकता है वी आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर वी आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर मतलब मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं ये अच्छा लग रहा है है ये अपना सर्कल है ये सर, सर्कुलर टेबल है <coughs> यहाँ पे सेंटर यहाँ पे सीट्स है ओके कितने लोग हो गए यहाँ पे मेरे ख्याल से आठ लोग हो रहे आठ लोग हम खाना खाने के लिए बैठे तो जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तो कहां पे अपना फेस होगा सेंटर में ही तो होगा ना हर एक का फेस सेंटर में होगा राइट दिस इज दैट वी आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर नैन एवर वी आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर तो अपना राइट right, कहां पे होगा इमेजिन करो ये अपना सर्कल है तो ये यहां पे जो बंदा बैठा है ये इसका राइट right कहां पे रहेगा ये रहेगा उसका राइट right एंड ये रहेगा उसका लेफ्ट राइट right? अभी यहां पे जो बंदा बेटा है खाने के लिए तो इसका ये रहेगा राइट right एंड ये रहेगा लेफ्ट यहाँ पे जो खाना खाने के लिए बेटा है उसका ये रहेगा राइट right एंड ये रहेगा लेफ्ट राइट एंड सोन तो अगर आप देखो तो हर एक पर्सन के इस साइड में राइट right आ रहा है राइट right. एंड ये जो बाजू है यहाँ पे उसका लेफ्ट आ रहा है तो इवन दो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आई होप यू आर गेटिंग जो मैं लिख रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो राइट right? तो व्हेनेवर आई कैन से व्हेनेवर वी आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर तो राइट right साइड जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी राइट right? अगर आप देखो तो राइट साइड यहां से ऐसे मूव हो रहा है है नहीं एंड लेफ्ट साइड अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो हर एक दिशा में यहां पर लेफ्ट साइड है तो वेन एवर वी आर फेसिंग टू वर्ड राइट साइड इट मीन वी आर शिफ्टिंग एंटी क्लॉक वाइज राइट एंड इफ इट इज बीन सेट दट एक पर्सन उसके लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है And case टू facing अपोजिट डायरेक्शन मतलब अभी हम जो सर्कल है वहां पे जो सेंटर है वहां पे फेस नहीं कर रहे अपोजिट फेस कर रहे हैं उसके ये अपना टेबल है ठीक है ये उसका सेंटर हो गया अपने आठ बंदे जो थे ये आठ लोग हो गए ओके ये अपने आठ लोग हो गए नाउ वी आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये जो बंदा है अपना ये कहां पे फेस कर रहा है सेंटर के अगेंस्ट इसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में एक पाठ एकमेक राइट तो नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज द सेंटर दिस पर्सन इज सीइंग ऑन दिस साइड तो इसका राइट right साइड कौन सा होगा दिस विल बी द राइट साइड एंड दिस विल बी द लेफ्ट साइड ये कौन सा होगा राइट right, ये होगा लेफ्ट ये होगा राइट right, ये होगा लेफ्ट एंड सो ऑन गाइज तो हिस्टर इफ यू सी राइट साइड शिफ्टिंग ऑन क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर आप राइट right साइड देख रहे हो तो इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन ठीक है नहीं एंड लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड इज ऑन ये डायरेक्शन में लेफ्ट साइड है रिवर्स तो ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है नाउ इट इज मूविंग इन रिवर्स मैनर राइट वेन एवर वी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन तो राइट साइड विल बी स्विचिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है इतना लिख लिया दोस्तों आपने राइट right? तो ये हो गया अपना पूरे चैप्टर का क्रक्स इतना ही है डिस्कशन के लिए अभी तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं तो ये एक चार्ट में पहले तो आप समरी बना सकते हो दैट व्हाट ऑल द थिंग्स आर देयर एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल ओके लिख लिया चलिए एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इनिशियल एग्जांपल्स आर वेरी वेरी सिंपल इसको क्या हो गया दोस्तों वट हैपन टू दिस वॉइज इट नॉटरिंग प्रोपरली ये तो दिख रहा है ठीक से एग्जाम्पल फर्स्ट आप रीड कर लो इसमें कुछ है नहीं ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है तो आप रीड कर लो वो हाँ रोज में एक और प्रॉब्लम हो सकता है ये जो केस वन केस टू हमने लिखा था इसके नीचे केस थ्री

अपोजिट ऑफ एफ राइट ए एन एफ आर डायगोनली अपोजिट डाइगोनली अपोजिट मतलब क्या ये एंड डी एन सी डाइगोनली अपोजिट तो यह आपको पहले इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा एंड देन उसके हिसाब से आपको अरेन्जमेंट करना है इफ यू रिमेंबर हमने वो डायरेक्शन टेस्ट में हाउस वाला जो लास्ट में प्रॉब्लम देखा था सिमिलर प्रॉब्लम रहेगा ये डी एंड सी आर आल्सो डायगोनली अपोजिट इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है ओके okay? चलिए अभी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर थ्री एग्जांपल थ्री से डिस्कस करेंगे फोर चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो ओके एक सेकेंड मैंने कर लूं पहले four children are sitting in a row a is occupying now if direction is not being given always will be saying that considering that direction is facing towards them We, they are not facing towards us okay four children are sitting in a row a is occupying seat next to b to kis tarah se problem hame solve karna hai dost first of all four seats are been given आपको मालूम है अभी four seats से तो आपको क्या करना है जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस हिसाब से अरेंजमेंट करते जाना है A is occupying seat.

इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी मतलब ए के बाजू में सी नहीं होना चाहिए तो यहां पे भी सी नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे बाजू में भी सी नहीं होना चाहिए तो पे हो सकता है आगे हो सकता है Further क्या दिया आपको? If C is not sitting next to D, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि डी सी के बाजू में नहीं होना चाहिए तो डी कहां पे हो सकता है यहां पे हो सकता है राइट right? दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है आपको इतना ही दिया था कि ए बी के बाजू में बैठा है राइट right, लेफ्ट कुछ नहीं करता तो ये हो सकता है बी ए भी हो सकता है राइट right? एंड पे अगर मैं यहाँ पे सी लिखू तो इज इट अलाउड नो इट इज नॉट अलाउड वाई बिकॉज ए के बाजू में सी नहीं होना चाहिए तो यहां पे डी आना चाहिए एंड यहाँ पे सी आना चाहिए तो दीज आर द पॉसिबल अरेजमेंट ये दोनों पॉसिबल अरेजमेंट है गिवन इन्फॉर्मेशन पे आर यू गेटिंग

ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन रीड करो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आप रीड करो एक बार हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल डिस्कस कितने बच्चे ए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आठ बच्चे सिटिंग फेसिंग नॉर्थ नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए ओके देन पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ

एक एक करके लिखते जाएंगे जो दिया है क्वेश्चन में ठीक है क्या दिया है आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी मतलब जहां पे पे होगा यहां पे T है तो ये फर्स्ट राइट right, ये सेकेंड राइट right, ये थर्ड राइट फोर्थ राइट में पी होना चाहिए ठीक है ये दिया आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेकेंड W इज टू द फोर्थ लेफ्ट ऑफ तो सेकेंड फिलहाल तो कुछ काम का नहीं है फिर भी हम लिख लेते हैं। पे S होगा, वहां से फोर्थ लेफ्ट ये लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ लेफ्ट में डब्ल्यू होना चाहिए वो दिया हुआ है आर एन यू विच आर नॉट एट दर नेबल टू क्यू एन टी यू क्यू एन टी रिस्पेक्टिवली का ही मालूम नहीं तो आर एन यू का यहां से लिख सकते हो लेकिन पहले हम फोर्थ पढ़ेंगे ये थर्ड पॉइंट हम पेंडिंग रखेंगे जहां पे P है उसके बाजू में W होना चाहिए लेफ्ट साइड में राइट दीज आर फेसिंग नॉर्थ सबसे पहले अगर ये सिटिंग अरेंजमेंट है तो ये फेस कहां पे कर रहे तो ये होगा अपना लेफ्ट एंड ये होगा राइट इज़ इट राइट राइट, ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे टी उसके बाद तीन अल्फाबेट्स ब्लैंक होने चाहिए थे और उसके बाद पी होना चाहिए था। अभी फोर्थ में क्या दिया है आपको इंफॉर्मेशन कि डब्ल्यू टू द नेक्स्ट ऑफ लेफ्ट पी होना चाहिए मतलब डब्ल्यू यहां पे आना चाहिए एक सेकंड। हाँ जी कहां थे हम एक सेकंड

राइट एंड फोर्थ लेफ्ट होना चाहिए तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो ये फोर्थ लेफ्ट आया था तो मेरे ख्याल से ये पूरा भी कितने अल्फाबेट्स हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हो गए उसके बाद क्या दिया है आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड्स आर नेबर्स ऑफ क्यू एंड टी रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली मतलब आर क्यू का नेबर है एंड यू टी का नेबर है तो यहाँ पे क्या दिया था आर किसका नेबर था क्यू का एंड यू टी का तो यहाँ पे आर आना चाहिए एंड यहाँ पे टी आना चाहिए आना चाहिए एंड कौन सा बचा पी क्यू आर एस टी यू वी यहाँ पे आएगा फिर बाकी बचा तो ये अपना अरेंजमेंट हुआ आपको समझ में आया दोस्तों आई इट अगेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन आइए देखते हैं वापस से एक बार क्योंकि क्या है जब मैं आपको बता रहा हूं तो एक रिलेट होता है

तो जो टी एंड पी के रिलेटेड है वो पहले कंसिडर करो क्योंकि डब्ल्यू एस तो कुछ काम का नहीं आर यू कुछ काम का नहीं है राइट right? आपको दिया है डब्ल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ पी तो यहाँ आएगा एंड क्यू नेबर है पी का तो बाकी बचा क्यू यहाँ पे होना चाहिए राइट एंड देन डब्ल्यू लिखा गया है कि एस के फोर्थ लेफ्ट में होना चाहिए तो एस यहाँ पे होना चाहिए एक बीच में जगह होनी चाहिए राइट देन थर्ड इंफॉर्मेशन वॉज बिन गिवन आर क्यू का नेबर है तो आर यहाँ पे आएगा एंड यू टी का नेबर है तो टी यू यहां पे आएगा बाकी बचा कौन वी ये अपना अरेंजमेंट हुआ क्वेश्चन क्या था हु आर द एक्सट्रीम एंड्स एक्सट्रीम एंड्स में कौन है टी एंड एस आर यू गेटिंग गाइस तो आंसर आंसर यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है बेसिकली डायरेक्टली आंसर यहाँ पे टी एंड एस आर एक्सट्रीम एंड्स ठीक है तो आप सॉल्व करते टाइम कैसे करोगे ये स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ इस तरह से आप लिखोगे ठीक है होप सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको समझ में आया है दोस्तों ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है एग्जांपल नंबर फिफ्थ देर आर फाइव हाउसेस पी क्यू आर एस टी पांच हाउसेस ठीक है पी इज टू द राइट ऑफ क्यू तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले लिख, लिखते जाएंगे पीज टू द राइट ऑफ क्यू मतलब अगर क्यू यहां पे हो अरे ये क्या हो गया क्यू यहां पे हो तो उसके राइट right में पी होना चाहिए राइट right? रीड करते रीड करना है. पीज राइट ऑफ क्यू मतलब क्यू के राइट right साइड में पी होना चाहिए ठीक है एंड टी टू द लेफ्ट ऑफ आर तो टी आर के लेफ्ट में एंड राइट ऑफ पी दिया हुआ है मतलब टी कहां पे है पी के राइट right में एंड लेफ्ट ऑफ आर मतलब टी की पोजिशन दिया हुआ है विच इज टू द राइट ऑफ पी तो पी का राइट right कौन सा है? ये तो यहाँ पे टी आना चाहिए क्यू इज राइट ऑफ एस तो एस यहाँ पे, right? right तो पे आना चाहिए तो अपना क्यू आएगा राइट right में राइट विच हाउस इज इन द मिडल तो आप ये देख सकते हो ये अपना अरेंजमेंट लिखा है हमने तो मिडल में कौन सा है मिडल में है अपना p आर यू गेटिंग गाइस तो द आंसर इज p इज इन द मिडल राइट इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है चलिए 6th सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी चलिए एक-एक इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे ए इज लेफ्ट ऑफ बी तो अगर बी यहां पे तो ए कहा लेफ्ट में होना चाहिए राइट बट ऑन द राइट ऑफ सी मतलब ए कहा लेफ्ट में लेकिन सी के राइट right में मतलब सी यहां पे होना चाहिए राइट चलिए कॉमा डी इज टू द राइट ऑफ बी तो डी अपना जो है वो बी के राइट में तो बी के राइट में हमने डी लिख दिया बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई तो ई e अपना यहां पे आएगा ई e के लेफ्ट में डी आना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो है अपने सी ए एंड ई ए तो आंसर आना चाहिए ए सी राइट तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो आर यू ऑल गेटिंग ओके एग्जांपल नंबर 7 इन अ कॉलेज पार्टी फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो स्ट्रेंज पार्टी में गर्ल्स रो में क्यों बैठेंगे एनीवेज फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम ये भी सेम मैनर में लिखेंगे एफ कहा पे एम के लेफ्ट में तो अगर आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं राइट आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन एन कहा बट लेफ्ट ऑफ ओ मतलब क्या है? अगर ये क्वेश्चन में एन को इग्नोर करू तो क्या देख सकते हो आर इज टू दर यहाँ पे आना चाहिए एंड नाउ इफ आई कम्प्लीटली रीड आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन

ई जहाँ पे होगा उसके राइट में कौन होगा मैं ऊपर लिखता हूँ ई जहाँ पे होगा उसके राइट में होगा डी बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई तो यहाँ पे बी होना चाहिए ओके बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए मतलब ए यहाँ पे होना चाहिए बी के ए के राइट में बी होना चाहिए देन डी इज वन द लेफ्ट ऑफ सी मतलब सी यहां पे होना चाहिए सी के लेफ्ट में डी आना चाहिए स्टैंड ऑन द एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम राइट कौन सा हुआ दोस्तों ये सी ओके एंड देन हुई सॉरी डीज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी विच इज ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड क्वेश्चन क्या है हुई स्टैंडिंग इन द मिडल तो अपना ई स्टैंडिंग इन द मिडल आंसर आना चाहिए ई e. ठीक है e ई मतलब ये आंसर यू आर सोल्विंग विथ मी ना नेक्स्ट एग्जाम्पल सर्क्यूलर अरेजमेंट ये हमने ऑलरेडी देख लिया है राइट वेन वी आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर देन लेफ्ट मूवमेंट इज इन क्लॉक वाइज एंड राइट मूवमेंट इज इन एंटी क्लॉक वाइज आइए एग्जाम्पल इसके बारे में देखते हैं यहां पर फोर लेडीज फर्स्ट ऑफ ऑल लेटमी टेल यू मॉडल में भी आपके गलती है दोस्तों ओके देर आर समेक इन द मॉडिल विच विल रेक्टिफाई फोर लेडीज ए बी सी डी And four gentlemen E, F, G, H are sitting in a circle around the table facing each other. So facing each other matlab facing center kar rahe ho okay? chaliye kya karenge All these questions of sitting arrangement हम diagram draw करके solve करेंगे, row का हो या कोई भी हो। तो कितने जन हैं? आठ जन हैं। तो first what we'll do, we'll draw eight places. उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करते जाएंगे आठ प्लेसेस आपको पहले ड्रॉ करनी है ओके okay? ये हो गया अपने आठ प्लेसेस ठीक है क्या क्या दिया आपको ए बी सी डी चार लेडीज जे, है जेंटलमैन ई e, एफ जी एच

ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम पर्टिकुलर एक को कोई ना कोई तो पोजिशन दे, देंगे ठीक है तो सबसे पहले सी का दिया है इन्फॉर्मेशन तो हम ये करते हैं सी यहाँ पे ओ -ओ. पहले तो मैं बता दू आपको कि सी कहीं पे भी हो सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या है बेसिकली आजू बाजू में कौन है वो इंपॉर्टेंट है तो यहां पे सी है अपना मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे सी है ओके तो क्या दिया है आपको सी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई तो जी एंड ई के बीच में बैठा हुआ है तो इसका मतलब यहां पे जी होना चाहिए यहां पे ई e होना चाहिए राइट right? या उल्टा भी हो सकता है राइट साइड में जी होना सकता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में ई भी हो सकता है फिलहाल मैं ट्रायल एरर कर रहा हूं इज फेसिंग डी इज फेसिंग डी मतलब उसके अपोजिट कौन होना चाहिए डी होना चाहिए ओके okay? okay. is between डी एंड ए एंड फेसिंग जी एफ कहां पे डी एंड ए के बीच में हाँ क्या दिया आपको एफ कहां पे डी एंड ए के बीच में उस फेसिंग जी तो पहले आपको अपने ऑलरेडी जी ड्रॉ किया है कहां पे हो तो जी के अपोजिट एफ होना चाहिए यहां पे एफ होना चाहिए एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एफ कहां पे डीएनए के बीच में तो ए कहां पे होना चाहिए यहां पे होना चाहिए क्योंकि डीएनए के बीच में एफ आना चाहिए तो आप देख सकते हो जो अपने ए बी सी डी फिलहाल तो ए के बाजू में बी एन सी या डी में से कोई भी आजू बाजू में नहीं आ रहा है राइट right? चले आगे एफ का तो कंसिडर कर, कर हमने एच इज टू द राइट ऑफ बी तो हमें तो बी का पोजिशन मालूम नहीं है लेकिन बाकी कितने बचे दो ही तो जगह बचे तो डी के बाजू में बी नहीं हो सकता बिकॉज शी इज द लेडी तो डी के बाजू में कौन आना चाहिए एच होना चाहिए here, पहले तो आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये सिटिंग अरेंजमेंट करना है सो so, आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया दोस्तों so, ये आपको समझ में आया राइट right? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे ग्रुप पे मैसेज सेंड करो राइट right? जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से मैंने ड्रॉ किया अब क्वेश्चन लेफ्ट ऑफ ए तो सबसे पहले वो फेस पे कर रहे हैं सेंटर में कर रहे हैं इमेजिन करो सेंटर फेस कर रहे हैं तो ए के लिए ए सामने देख रहा है तो ए का ये बाजू कौन सा होगा राइट right, एंड ये बाजू होगा लेफ्ट ऑलरेडी लिखा था वेन दे आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन डायरेक्शन राइट तो क्वेश्चन टू द लेफ्ट ऑफ ए लेफ्ट ऑफ ए कौन है एफ है आंसर तो आंसर इज एफ कहां पे गया कहा गया आंसर एफ

उनमें थोड़ा अलग सा किया है लेकिन आंसर आपके सारे के सारे करेक्ट है आजू बाजू में सेम रहेंगे अपना क्या था यहाँ पे जस्ट शिफ्ट हुआ था अगर आप इस तरह से देखो तो ए के सामने बी आ रहा था राइट ए के इस लेफ्ट में ई e आ रहा था एंड इस यहाँ पे सी आ रहा था एंड बी एंड सी के बीच में कौन था बी एंड सी के बीच में यहाँ पे जी था यहाँ पे D था C के ठीक सामने एंड A एंड D के बीच में F था यहाँ पे H था ये सिर्फ जो इमेज आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है सिर्फ हमने स्लाइटली टिल किया है अदरवाइज आजू बाजू में अगर आप देखो तो जो हमने ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली exactly सेम है राइट right? तो जरूरी नहीं कि मॉड्यूल में जिस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया एक्जैक्टली सेम हमें ड्रॉ करना है हमने जो ड्रॉ किया है वो दैट इज करेक्ट ओके okay? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ये होना चाहिए h आपके मॉडल में रेक्टिफाई करो एंड ये होना चाहिए g a b c d e f g h ये मिस्टेक था ये रेक्टिफाई करो तो आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों एट पर्संस a b c d e f g एंड h आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एज पर गिवन फिगर दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर अभी वो अपोजिट फेस कर रहे हैं इफ दे मूव अप टू थ्री प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा ये इस तरह से थ्री प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे वो देखना है आपको सबसे पहले ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम एज इट इज पहले ड्रॉ करेंगे एंड थ्री प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद क्या होगा वो देखेंगे पहले तो जस्ट ड्राइंग पर्पज से मैं एज इट इज पहले ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है ये सर्कल नहीं हुआ ये ओवल हुआ है लेकिन जाने दो अज्यूम करके चलो ये सर्कल है तो मैं पहले तो एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं इसको एन यहां पे बी यहां पे सी ये डी ई e, F, G, and H. ठीक है ये अपना है वेस्ट ये है ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ राइट गाइस तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है अभी हमें थ्री प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने मतलब क्या जो अपना यहां पे ए वो तीन प्लेस लेफ्ट में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये तीन प्लेस मतलब ये हुआ फर्स्ट ये हुआ सेकंड तो ए यहाँ पे आएगा ए कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आता है ठीक है उसके बाद बाकी के सारे डायरेक्शन सेम मैनर में चेंज हो गए एच कहाँ पे आएगा एच ये पहला ये दूसरा नहीं ये तीसरा तीन प्लेसेस तो एच यहाँ पे आएगा जी यहाँ पे आएगा देन एफ यहाँ पे आएगा ई e यहाँ पे आएगा डी यहाँ पे आएगा देन सी यहाँ पे आएगा एंड बी यहाँ पे आएगा तीन अगर आप बी के बारे में सोचो तो तीन प्लेस मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है okay? तो option में से कौन सा करेक्ट आंसर है ठीक तो है, तो है एक बार वापस से बाकी के आंसर भी देख लेते हैं. विल फेस्ट ईस्ट ई कहा ईस्ट में नहीं है नॉर्थ ईस्ट में तो बी आंसर इज नॉट करेक्ट तो बी तो आंसर कैंसिल हुआ

ओके okay, तो अपना टेंथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी क्या करोगे आप इलेवेंथ क्वेश्चन रीड करो इलेवेंथ क्वेश्चन मेरे साथ रीड करो फाइव पीपल ए बी सी डी ई आर सीटेड अराउंड राउंड टेबल एवरी चेयर इज पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एडजेसेंट चेयर ओके सी सीटेड नेक्स्ट टू ए पहले तो क्या करेंगे हम वो सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि वो सेंटर की तरफ देख रहे है या नहीं लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसके बेसिस पे हम लिखेंगे पांच लोग हैं ना यहाँ पे तो यहाँ पे एक जगह और बनाएंगे यानी यहाँ पे एक जगह बनाएंगे तो पांच लोग हो गए चलिए सी सिटेड नेक्स्ट टू ए तो पहले कहीं पे तो भी मैं सी को ले सकता हूं तो नेक्स्ट टू ए मतलब उसके बाजू में आइदर यहां पे हो सकता है या यहां पे भी हो सकता है मैं एक साइड अज्यूम कर रहा हूं राइट साइड में उस ए ठीक है चलिए आगे ए सिटेड टू सीट्स फ्रॉम डी मतलब टू सीट्स फ्रॉम डी मतलब क्या लिखा है बस यहां पे ए सिटेड टू सीट्स फ्रॉम डी एंड बीज नॉट सीटेड नेक्स्ट ए मतलब यहां पे तो बी नहीं आना चाहिए ओके okay? एक सेकेंड hmm. क्या लिखा है एज सीटेड टू सीट्स फ्रॉम डी तो ये डी हो सकता है यहां पे. टू सीट्स मतलब ये एक ये एक दूसरा टू सीट्स फ्रॉम डी बट इज नॉट सी नेक्स्ट बी ए के बाजू में नहीं होना चाहिए मतलब बी यहां पे होना चाहिए ओके okay? तो कौन सा बचा ए बी सी डी यहां पे होना चाहिए तो ये अपने हुए सिटिंग अरेंजमेंट ओके तो पहले तो दिया हुआ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये ड्रॉ कर लो इसका अल्टरनेटिव भी पॉसिबल है आपके मॉडल में दिया हुआ है जो भी अल्टरनेटिव पॉसिबल है वो दिया हुआ है लेकिन एक बेस सारे कंडीशन जो हो एक भी आपने प्रॉपरली ड्रॉ किया तो भी है अल्टरनेटिव जस्ट सी नीचे आएगा तो आजू बाजू में सेम ही आने चाहिए ठीक तो, है तो क्वेश्चन क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फर्स्ट डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी डी सीटेड नेक्स्ट टू B मतलब ये तो करेक्ट है तो आप आंसर वन इज करेक्ट वन तो अपना करेक्ट है ओके दिस इज करेक्ट देन इज सिटेड नेक्स्ट टू A सेकेंड देखते हैं करेक्ट है कि नहीं इज सिटेड नेक्स्ट टू A ये भी तो करेक्ट है E नेक्स्ट A के नेक्स्ट में तो बैठा हुआ है तो ये भी करेक्ट है तो आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए बोथ बोथ करेक्ट करेक्ट, है, ओनली टू ये भी नहीं होना चाहिए, राइट गाइज तो होप सो यू अंडरस्टूड सो फार इलेवन क्वेश्चन हुआ ट्वेल्थ क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में ठीक है ट्वेल्थ हमने पेंडिंग रखा है आइए क्यू अनसोल्ड देखते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है एक दो तीन क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लेते हैं आज फाइव बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फाइव बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो ओके जब भी कुछ डायरेक्शन दिया ना हो तो हम अज्यूम करेंगे वो सामने देख रहे हैं सामने इन नॉर्थ में देख रहे हैं ठीक है एज सिटिंग राइट ऑफ बी तो जैसे आपको मालूम है जितना दिया हुआ है उतना लिखेंगे ए बी के राइट right में मतलब बी अगर यहाँ पे हो तो उसके राइट right में होना चाहिए ए एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी तो ई e यहां पे होना चाहिए बट टू द राइट ऑफ सी मतलब ई e कहां पे होना चाहिए सी के राइट में राइट ओके ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी ए अपना डी के लेफ्ट में है? मतलब यहां पे होना चाहिए डी हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो लेफ्ट साइड कौन सी है यहां पे हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट इफ यू रिमेंबर जब आप सामने देख रहे हो तो ये लेफ्ट है एंड ये राइट right है ये फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन कौन सी आ रही है ई e क्या आ रही है राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट शुड बी सी दलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करो

ई e आएगा एंड ई e कहाँ पे सी के लेफ्ट में ओके okay? तो ये पोजीशन आई है अपनी बी ए ई सी फर्दर वापस से रीड करता हूँ ए बी के राइट में वो लिखा हमने ई e, सी के लेफ्ट में वो भी लिखा है ए के राइट में ठीक है एंड बी इज टू द राइट ऑफ डी मतलब डी जहाँ पे उसके राइट में बी होना चाहिए तो डी यहाँ पे आएगा विच

एंड क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर तो क्यू कहां पर लेफ्ट में ओके पी इज टू द इमीडिएट लेट लेफ्ट ऑफ टी मतलब पी टी के लेफ्ट में तो so यहाँ पे P आएगा हु इज इन द मिडल तो मिडल में कौन आ रहा है अपना एस मिडल में आ रहा है ओके तो आंसर ऑफ थर्ड शुड बी एस चलिए फोर्थ क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो ओके बी इज बिटवीन पहले तो ए बी सी डी ई एफ है ओके बी इज बिटवीन एफ एंड एफ एंड डी तो पहले हम लिखेंगे बी कहाँ पे है एफ एंड डी के बीच में बी है इज़ बिटवीन ए एंड सी तो हमें मालूम नहीं एंड सी की पोजिशन एंड सी पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है e या ये भी हो सकता है दैट e ऐसा भी हो सकता है हमें पोजिशन मालूम नहीं इतना ही मालूम है कि ए एंड सी के बीच में ई e आएगा ओके ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ अभी यहां पे है उसके बाजू में ए स्टैंड नहीं करेगा ओके ठीक है ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी अगर यहां पे ए आएगा ए सी e, ये हो सकता है लेकिन अभी क्या दिया हुआ है ए डी के बाजू में खड़ा नहीं रहेगा आई एज वेल एज एफ के बाजू में भी खड़ा नहीं रहेगा एंड सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू द डी मतलब हम ये जो पॉसिबिलिटी थी हमारी अभी लिख नहीं सकते क्यों क्योंकि ए के बाजू में डी नहीं आना चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सी ई ए भी हो सकता है ए एंड सी के बीच में वापस से ई e आ रहा है लेकिन आपको क्या दिया हुआ है सी के बाजू में डी भी नहीं आना चाहिए तो यहां पे नहीं हो सकता एंड एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग तो वो तो बाद में देखेंगे तो अभी कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ए ई सी हो सकता है यहां पे एफ के बाजू में ए नहीं आ रहा सी आ रहा है तो वो चलता है ओके okay? एंड ई e अपना ए एंड सी के बीच में आ रहा है तो बेसिकली अपने अरेन्जमेंट अपना अरेन्जमेंट जो है इस तरह से होता है ए सी एफ बी बी दिस इज द अरे क्वेश्चन इज एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एफ किसके बीच में आ रहा है बी एन सी के बीच में तो आंसर इज दिस राइट तो so, आज के लिए बस इतना ही रेमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट विल कंटिन्यू टुमारो इफ वी आर एबल टू कंप्लीट दिस टॉपिक देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज लॉजिसम स्टिलॉजिसम या स्लॉजिसम जो भी आप प्रोनाउंस करो ओके विल कंक्लूड फॉर टुडे हैव अ वेरी नाइस डे गाइस बाय बाय